हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। मैंने अपना रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराई है, मैंने लेज़र कराया है, मेरे नंबर इतने थे, अभी भी मेरे नंबर रह गए हैं, मुझे लेज़र कराने का क्या फ़ायदा, अक्सर ये लोग पूछते हैं। और ये कुछ मुझे लगता है वाजिब भी है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे केवल यही कंसेप्ट है कि मेरे को रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी है क्योंकि मुझे चश्मा नहीं लगाना है, तो बिल्कुल आपका जो सवाल है ये बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आज इसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग साइंटिफिकली समझते हैं और कैसे हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको नंबर्स हैं भी तो वो क्यों हैं और उसका क्या लॉजिक है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर समझिए कि लैसिक आज से नहीं, लैसिक हम लोग करीब 20-22 साल से हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कर रहे हैं, लेज़र, एग्जाइमर लेज़र यूज़ हो रहा है। इतने सालों में मिलियंस लोगों पर लगभग सर्जरीज हो चुकी हैं, उसकी वजह से बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। आज डाटा अगर आपका एक्सेस में होता है तो उसी को हम लोग नोमोग्राम्स कहते हैं, या हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है? जब हम किसी चीज़, हम सब लोग के दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग भूल जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज की चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में खुद डेवलप होती है समय के साथ, जैसे हम एज करते हैं, अपनी लाइफ में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको जीते हैं, तो हमारी एक समझ डेवलप होती है। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ होती जाती है, उसके फ़ायदे नुकसान पता लगते हैं, वैसे ही उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। और मशीन आज खुद इतनी इंटेलिजेंट हो गई है क्योंकि उसके अंदर अगर हमको नोमोग्राम्स या अगर हम डाटा फीड करते हैं तो वो आपको खुद सजेस्ट करती है कि इसमें हमें इस तरह से करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज जो मॉडर्न टेक्निक से, हम जो भी जितनी भी मॉडर्न मशीन से, मैं किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्टूरा की बात नहीं कर रहा, या मैं किसी मशीन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी लेंटिक्यूल बेस्ड सिस्टम पर बात कर रहा, या मैं फेकी डाइवल्स के बारे में, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर जब आप जैसे आपने सर्जरीज करते गए, मशीन्स स्मार्ट होती गई, मशीन्स के अंदर इन्फॉर्मेशन आती गई, उसमें डाटा पहुंचता गया, तो मशीन आज खुद सजेस्ट करती हैं कि अगर कोई पेशेंट है, उसके नंबर्स हैं, और अगर हम उसको नंबर्स को फीड करते हैं, मशीन को केवल डाटा ही हमें फ़ीड नहीं करना होता, मशीन रीड भी करती है पेशेंट्स की आई से। जब हम किसी भी पेशेंट को लैसिक रिफ्रैक्टिव के लिए ले जाते हैं तो उसका एक आउटर यूनिट होता है जिसको डिफरेंट नाम से कहा जाता है, जैसे कॉन्टूरा में उसको हम लोग टोपोलाइजर कहते हैं, नाइटेक की मशीन में उसको हम लोग ओपीडी स्कैन 3 कहते हैं। ये डिफरेंट तरह के एब्रोमीटर्स हैं, टोपोग्राफर्स हैं, जो आपकी आँख को सिटिंग पोस्चर में, आप बैठे हुए पोजीशन में, आउटर मींस ओपीडी में वो आपके रीडिंग्स लेते हैं। फिर उसमें आप वो आपको भी सजेस्ट करते हैं और आप उसको भी एक तरह से सिमुलेट करते हैं। जैसे हमें पायलट बनना है तो हम पहले सीधे फ्लाइट नहीं उड़ाने लग जाएंगे, हम एक सिमुलेटर पर बैठेंगे, हम उसको उसमें आपको कंडीशंस दी जाएंगी और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वैसे ही आप जब हम किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो हम उसको कंप्यूटर पे सिमुलेट करते हैं कि अगर हम इसको इस ढंग से करेंगे तो हमारे आउट रिजल्ट्स क्या होंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशंस जब हमें लगता है कि ये सूटेबल इन्फॉर्मेशन है और ये पेशेंट के लिए बेस्ट होगा, वो डाटा हम मशीन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और मशीन, क्योंकि वो मशीन का ही पार्ट है, तो मशीन ने आपको सजेस्ट किया और आपने उसको सजेस्ट किया और इससे म्यूचुअल से एक डाटा क्रिएट हुआ और जो मशीन ने आपकी लेज़र से आपकी आंखों में कार्विंग कर दी। तो मशीन खुद सजेस्ट करती है, कभी वो नंबर्स को थोड़ा बढ़ाती भी है, डिक्रीज़ भी करती है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मशीन में पहले से इनबिल्ट है और साथ में वो आपके डाटा को उसी से एनालाइज़ करके और उसी के हिसाब से वो प्रिपेयर करती है। तो एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल कि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 एंड अबव नंबर हैं, तो मोटे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लेज़र करने के लिए 8 नंबर के ऊपर लेसिक नहीं होगा, ये सब चीज़ें आज नहीं हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कॉर्निया थिकनेस के ऊपर, आपके प्रोफाइल के ऊपर, आप किस तरह का काम करते हैं, आपका प्यूपल साइज़ क्या है, आपका कॉर्निया कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स से हम डिसाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि सब 2+2 तो 4 होता है, ऐसा नहीं है। तो मोटे तौर पर पब्लिक में बताने के लिए कहा जाता है सब 8 के ऊपर हम लेज़र नहीं करेंगे, 8 के ऊपर हम फेकी काइवल करेंगे, ICL करेंगे, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं है। ये एग्जैक्ट हर आदमी में, हर जगह, हर पेशेंट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो 6 एंड अबव जो नंबर्स हैं आपके, तो जब पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं तो मशीन नोमोग्राम्स के हिसाब से, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से नंबर्स को अंडर करेक्ट करती है। इसका रीज़न है, अगर आप मायोपिक हैं तो आपकी नियर विज़न बेटर होगी,
आप इंटरमीडिएट विजन आपकी बेटर होगी। जो भी आप मायोपिक से आप देखिए, अगर आपका चश्मा लगा हुआ है, आप चश्मा हटा के आप पढ़ेंगे, पास से पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर है तो ज़्यादा पास लाना पड़ेगा, अगर मॉडरेट नंबर है तो थोड़ा दूर से पढ़ सकते हैं। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ, मैं बिना चश्मे के देख रहा हूँ क्योंकि मेरे हल्के से माइनस के नंबर हैं, मेरा चश्मा ही रखा हुआ है। मुझे अगर दूर देखना है, परफेक्शन से देखना है, तो मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा काम है आपसे, मैं जब कैमरे के सामने रूबरू हूँ, जब मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब मैं सेट लैंप पे आपको एग्जामिन कर रहा हूँ, जब मैं सर्जरी कर रहा हूँ, तो मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मेरी विज़न माइनस के नंबर की वजह से पास की विजन, मेरी विज़न क्लियर है। मेरी एज प्रेस बायोपिक एज में हूँ मैं, तो मेरी एज की में डिस्टेंस के नंबर अलग है, नियर के नंबर अलग है। नियर में दूर के नंबर जो भी होते हैं उसमें नियर के नंबर जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ने के बाद मेरा नंबर न्यूट्रलाइज हो जा रहा है नियर के लिए, इसलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ बिना चश्मे के। तो इसलिए कोई भी पेशेंट अगर हायर नंबर के साथ आता है तो मशीन अंडर करेक्ट करती है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मायोपिया उसको छोड़ा जाता है जानबूझ के, जिससे कि पेशेंट को नियर में स्ट्रेन ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो और एग्जर्शन ना हो। कभी कभी वो नंबर आपके मान लीजिए 7 और 8 है, और ये एक प्रेडिक्शंस हैं, इसमें ये नहीं है कि मैथमेटिक्स चलता है कि साहब अगर हम इतना जोड़ेंगे और इतना घटाएंगे तो यही फिगर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रेडिक्शंस हैं जो कि लाखों के लोगों के पेशेंट्स के डाटा के हिसाब से मिला। जैसे आपका ब्लड प्रेशर 80-120 कैसे पता लगा, जब लाखों लोगों का आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो आपको पता लगा कि साहब इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो वैसे ही आपके लाखों के लोगों के ऊपर जब लेज़र करने के बाद जब हम करेक्शंस करते हैं तो हमारे नंबर्स को वो थोड़ा अंडर करेक्ट करेगी, वो एक प्रेडिक्शन है। कभी वो अगर मान लीजिए अगर किसी का 8 नंबर है तो अगर वो पॉइंट अगर 10% करेक्शन करेगी तो वो 0.75 1 डायप्टर 1.25 डायप्टर रह सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि सब चश्मा तो लगाना पड़ेगा तो ये तो टेक्नोलॉजी की फेलियर है, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप 8 नंबर से खुश थे और आपको लगता था कि -7 -8 नंबर आप लगाने के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छा देख रहे थे, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी चश्मे की डिपेंडेंसी कितनी थी, ना दूर का देख पाते थे ना पास का देख पाते थे। दूसरा, आपकी जब चश्मा जब ज़्यादा नंबर होते हैं तो वो थिक पेरिफेरी में थिक होता है, मायोपिक ग्लासेस हमेशा अगर आप देखेंगे तो वो पेरिफेरी में थिक होंगे, सेंटर में पतले होंगे, जिसको एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। तो जब आप चश्मा लगाएंगे तो आप एक ट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, यानी ट्यूबुलर विज़न हो गई। आपका आपका जो रडार सिस्टम है तो बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, फील्ड ऑफ विज़न जिसको कहते हैं वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं केवल फ्रेम के थ्रू, यानी आपकी पूरा रेटना यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो अगर हम आपके नंबर्स को करेक्ट कर दें, कम कर दें, तो आपका ग्लासेस पतले हो गए, तो आपका दायरा भी बढ़ जाएगा और साथ में क्योंकि प्रिज्म उतना थिक नहीं होगा, क्वालिटी विज़न बेटर हो जाएगी। और अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे तो आप आराम से सारे काम अपनी मॉडर्न लाइफ के अंदर एक रूम के अंदर कर सकते हैं। हाँ, आपको बहुत दूर देखने में चश्मा लगाना पड़ सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी की फेलियर नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आपकी आप उसको आराम से आप अपनी लाइफ हैप्पीली निकालेंगे। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग होता है नहीं जो परेशान रहते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पाते, कभी कभी हम लोग की भी गलती होती है कि हम आपको उतना प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर्पस मेरा इस वीडियो बनाने का ये है कि आपको शायद वो मैसेज कन्वे हो, जिससे कि आप अपने बेड डॉक्टर के पास जाके एक बार उससे डिस्कस करें तो वो आपको खुद बताएंगे। कभी कभी हॉस्पिटल्स में इतना टाइम नहीं होता और बात टाइम की भी नहीं है, बात कभी कभी हर चीज़ दिमाग में भी नहीं आती है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि जब नंबर ज़्यादा होते हैं तो मैं उनसे खुद पर्सनली कहता हूँ कि आपको हम ग्लासेस से नंबर्स से डिपेंडेंसी आपकी हम कम कर देंगे। लेसिक का पर्पस है आपके चश्मे के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करना, चश्मा हटाना उसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब उसके साथ अगर हम अगर नंबर्स करेक्ट कर रहे हैं तो हमारा हम कम कर रहे हैं तो हमारी चश्मे से ज़रूरत को भी कम कर रहा है और लगभग ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में चश्मे की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। तो आई होप कि ये मैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी बहुत सारे डिससेटिस्फाइड पेशेंट्स और भी हो सकते हैं, किसी को इरिटेशन है, किसी को ड्राइनेस है, किसी को ग्लेयर लग रहा है, ये सब चीज़ें आपकी ऑकुलर सरफेस से रिलेटेड होती हैं, जो शुरुआत के कुछ मंथ्स होती हैं। चाहे आप किसी भी टेक्निक से सर्जरी कराएं, चाहे आप लेजर्स करेक्शंस कराएं कॉर्निया पे, चाहे आप लेंटिक्यूल बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू जाएं, चाहे अगर आप फेकिक आईवल कराएं, सब में आपको थोड़ा सा हेलोज और क्लियर होगा, क्योंकि आपकी आई सेंसिटिव होती है। शुरुआत में कुछ मंथ्स आपको उसके साथ निकालने पड़ेंगे, धीमे 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 आप उसके से ये क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरह की आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, हमारी आँखें ही सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं। हम एक कमरे में बैठे हैं, खाली भी बैठे हैं, रात में लाइट बंद करके सो रहे हैं, बिस्तर पे आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है लेकिन फ़ोन आपके हाथ में है, स्क्रीन पर आप बैठे हुए हैं। अगर आपका काम ख़त्म हो गया है उसके बाद भी अपने को रिक्रिएट करने के लिए आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
आप अपने को सोशलाइज करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के लिए आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंखें तो बनी नहीं है इसके लिए। जब आप इतना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। दूसरा, अब हमें पता भी है कि सब ग्लेयर और हेलोज होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज सिम्पटम हो गई। पहले शायद इस पे आदमी का ध्यान ही नहीं जाता था। जैसे ऑपरेशन से पहले क्या आपकी खुजली नहीं हुई आँख में, या कभी पानी नहीं आया, या कभी इरिटेशन नहीं हुआ? बचपन से हमेशा सबकी आँखों में रेडनेस होती है, आँखों में कुछ पड़ जाएगा तो आपको पानी आने लगेगा, आपको चुभन होने लगेगी, आँख रेड हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन से पहले आप क्या करते हैं, आप रगड़ लेते हैं, आप आइस को वॉश कर लेते हैं। लेकिन कोई भी सर्जरी होती है, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, चाहे वो कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो, या किसी तरह की भी सर्जरी आँख में हो, अगर आप उसके बाद में हो रहा है तो आप उसको सिम्टम समझने, आप उसको लिंक करने लगते हैं ऑपरेशन से, कि ऑपरेशन के बाद से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। तो आंखें आपकी जैसी ऑपरेशन से पहले थी वैसे ही उसके बाद भी हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें हम ज़्यादा परसीव करने लगते हैं क्योंकि हम उसके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। कोई भी सवाल आपके हैं फिर पूछिए। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एक पेशेंट ने इस चीज़ को लिखा कि अगर मेरे नंबर रह भी गए, अगर मेरे नंबर 7 थे और आज मुझे 0.75 का चश्मा या 0.5 का पहनना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैंने बेकार लैसे कराए, मेरे बेकार पैसे खर्च हुए। बिल्कुल गलत है आपका सोचना ऐसा। आपको चश्मे की ज़रूरत, आपकी उस वक्त डिपेंडेंसी थी, आज आप डिपेंडेंट उतने नहीं हैं। हाँ, आपको परफेक्शन या आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका काम है बहुत ज़्यादा आँख का, तो आपको नियरली आपको आई परफेक्ट चाहिए पूरी, तो आपको हो सकता है कुछ आई एग्जर्शन स्ट्रेन वगैरह हो, तो आपको ग्लासेस के लिए रिकमेंड किया जाए। लेकिन आप बाय फोर्स अब आपको चश्मा नहीं पहनना है कि सुबह उठ के पहला काम तो साहब चश्मा कहाँ है, फिर आपने लगाया तब आपने देखा कि टाइम क्या हो रहा है, घड़ी क्या हो रहा है, और अपने शीशे में आपको ब्रश करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, अपनी शक्ल देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ेगा, बट ऐसी तो ज़रूरत नहीं है आपको। तो कोई भी ऐसे सवाल हो पूछिएगा। मेरे वीडियोज़ बेसिकली आपके क्वेश्चन से ही जनरेट भी होते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उनको आंसर करने के लिए। और बहुत ध्यान रखिए अपना, बच्चों का ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, आँखों को रेस्ट भी दीजिए, समय से सोना बहुत ज़रूरी है आँखों की। दिन भर आप हज़ारों बार पलक चला रहे हैं तो उसको रात में सोते समय रिपेयर होने दीजिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और एक अच्छे सिटीज़न बनिए। नमस्कार।